स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और वो फार्मूला था ए इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले में पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, चार्ज क्यू है और चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल आर है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम की परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंड ऑन पोजीशन। इसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया हमने, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इनके चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इसका मिड पॉइंट है ओ, चार्जेस का सेपरेशन है 2a। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k लिया गया है। सेंटर पॉइंट o से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, जहां हमें डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम दोनों अलग अलग चार्जों से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट देंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज प्लस क्यू से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है। हम प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई1 है। अब देखते हैं कि इस चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 2a, ओ मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगी और ओ पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस भी स्मॉल a हो जाएगी। अब ओ पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस में से ओ पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस माइनस करके हम ए पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो डिस्टेंस होगी आर माइनस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हमें डिस्टेंस चार्ज से आर माइनस ए लेनी है। ई1 इक्वल हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर होगी। इस एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया गया है, ए से बी पॉइंट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दूसरे चार्ज माइनस क्यू से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी E2 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखिए यहां डिस्टेंस बी पॉइंट से पी पॉइंट तक कितनी होनी चाहिए। सामने दिख रहा है ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, ओ पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो बी से पी तक की डिस्टेंस आर प्लस ए हो जाएगी। तो
इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हम डिस्टेंस आर प्लस ए लेंगे। ये चार्ज निगेटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई वन की अपोजिट होगी, क्योंकि ई वन प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी थी, तो यहां डायरेक्शन होगी पी पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, पी पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ई टू की डायरेक्शन होगी। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम डायपोल की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि E1 की और E2 की डायरेक्शन अपोजिट हैं, और इस फॉर्मूले से पता चलता है हमें E1 इज ग्रेटर देन E2, बिकॉज जो R माइनस ए स्क्वायर यहां डिस्टेंस दी है ये इस डिस्टेंस से कम है, इसलिए E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होगी। E1 ग्रेटर देन E2 एंड डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिट, तो फिर इस पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी E1 माइनस E2। इस फॉर्मूले में E1 E2 की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करके हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। E1 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर, Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये इनमें से कॉमन आएगा, तो E की वैल्यू हमें मिलेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया जाएगा, वैल्यू आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट अंदर। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम मिलेगा आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, इस साइड न्यूमिनेटर में लेंगे आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की मदद से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इक्वल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ए की जगह आर प्लस ए है, बी की जगह आर माइनस ए है, आर प्लस ए होल स्क्वायर और आर माइनस ए होल स्क्वायर को इस फॉर्मूले से सॉल्व करके ब्रैकेट अंदर लिखा जाएगा आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। और इसी फॉर्मूले को अपोजिट सॉल्व करके आप आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अपन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बहुत ही कॉमन बात है, ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से। कैंसिल होगा यहाँ पर, यहाँ आर आर कैंसिल होगा, ई की हमें वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के 2R इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये सब चीज आप समझ चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है। यहां देखिए
क्यू का और टू ए का मल्टीप्लाई हम जानते हैं क्यू इंटू टू ए, ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। डायपोल की स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट होता है, इसको पी से इंडिकेट किया जाता है, तो क्यू और टू ए की वैल्यू यहां अपन पी ले सकते हैं। सो ई की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4πε0k 2 इंटू पी इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्जेस का सेपरेशन बहुत कम होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, मिलीमीटर माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, जो आर के कंपेयर में स्मॉल होगा। यानी यहां पर इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू आर से मच स्मॉल होगी, इस वजह से हम आर स्क्वायर के कंपेयर में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है। इस वजह से इसको हटाने पर हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो है ई इक्वल 1/4πε0k 2πr अपॉन, अभी ए स्क्वायर रखने पर ये आर की पावर 2 और ये पावर 2, आर की पावर 4 हो जाएगी। लास्ट इसका जो फार्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा ई इक्वल 1/4πε0k एक आर से आर कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 आएगी यहां पर, यहां से आर भी कटा, ये पावर 3 यहां पर आ गई, 2 इंटू पी ऑन आर क्यू। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कैपिटल ई की डायरेक्शन हम इसके बेस पे बता सकते हैं E1 एंड E2 में से E1 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड E1 को फॉलो करेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ रहेगी। जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी हम डायरेक्शन अगर बात करें, इसकी डायरेक्शन बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, इसकी भी डायरेक्शन बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ होती है। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल के एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ली जाती है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी की ओर। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार ये फॉर्मूला 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंड ऑन पोजीशन। ये कंप्लीट टॉपिक हो गया, इस टॉपिक पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, बुक में देखिए, कंसल्ट कीजिए, जो नोट्स हैं उनको कंसल्ट कीजिए। अगली वीडियो में अगला एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं।